जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे कब और क्यों मनाया जाता है, वर्ष 2023 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है और साथ ही साथ इसका क्या उद्देश्य है, इसका इतिहास क्या है। इसके अलावा पृथ्वी के बारे में अन्य रोचक तथ्यों के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं सभी स्लाइडें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं एकदम शुरुआत से। दोस्त चैनल पर नए तो सब्सक्राइब वाला बटन भी आपके सामने ये दबा दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए घंटे को भी दबा लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। देखिए, वर्ल्ड अर्थ डे 2023, अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस, एक तरीके से पूरी दुनिया में इसका आयोजन कराया जाता है और पूरे विश्व में 192 से भी अधिक देश एक साथ 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इसे मनाने का उद्देश्य लोगों को पृथ्वी के महत्व और ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूक किया जा सके। यह तारीख उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु में मनाया जाता है। पहली बार इसे 1970 ईस्वी में मनाया गया था और इसके बाद धीरे धीरे ग्लोबल स्तर बढ़ने लगा और पूरे विश्व में 192 प्लस देशों द्वारा यह मनाया जाने लगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे इसका इतिहास क्या है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पृथ्वी दिवस मनाए जाने की शुरुआत 22 अप्रैल 1970 में हुई थी। सितंबर 1969 में अमेरिका का एक शहर है सिएटल वाशिंगटन में एक सम्मेलन में विस्कॉन्सिन के अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने यह घोषणा की कि 1970 में कि वसंत में पर्यावरण पर राष्ट्रव्यापी जनसाधारण प्रदर्शन किया जाएगा। इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में अमेरिकी स्कूल और कॉलेजों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस सम्मेलन में 20,000 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए। और पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे जो है, यह शब्द को किसने दिया था, तो जूलियन कोनिन ने दिया था 1969 ईस्वी में। वही पहले पूरी दुनिया में दो दिन यानी कि 21 मार्च और 22 अप्रैल दो दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन वर्ष 1970 से 22 अप्रैल को इसे मनाया जाना तय किया गया। वहीं 21 मार्च को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल अर्थ डे को संयुक्त राष्ट्र का समर्थन है, पर इसका महत्व वैज्ञानिक और पर्यावरणीय ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें, यह पहली बार 1970 में मनाया गया, इसको तो हमने बता ही दिया, और पूरी दुनिया में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं 22 अप्रैल को अमेरिका में इसे वृक्ष दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे इसको क्यों आखिरकार मनाया जाता है, तो पृथ्वी पर बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर अस्तित्व यानी कि जीवन खतरे में है, इसी वजह से इसके प्रति जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। इसका निम्नलिखित कारणों की वजह से इसे मनाया जाता है, जैसे सर्वप्रथम पृथ्वी के अस्तित्व को बचाने के लिए अर्थ डे को मनाया जाता है। इसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं कि गर्मी सर्दी वर्षा कोई भी समय से नहीं रह गया है, ये कभी भी हो सकता है, यानी कि मौसम एक तरीके से चेंज हो गया है। इन सभी अनियमितताओं को संतुलन करने के लिए अर्थ डे मनाया जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों की यह मानसिकता बन गई है कि पृथ्वी और पृथ्वी के द्वारा दी गई वस्तुओं को साधन के रूप में मानते हैं और सिर्फ उन्हें नष्ट करते हैं, और उन्हीं चीज़ों को बचाने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण से बढ़ रही समस्याओं को निपटाने के लिए व्यापक प्रयास करने के लिए इसको मनाया जाता है। और पृथ्वी पर संतुलन खराब होने से यह हम देखते हैं कि बहुत सारी बाढ़ सुनामी भूकंप हर साल आते रहते हैं, जिससे काफ़ी जान और माल की हानि होती है। इन्हीं सब समस्याओं से इजाद पाने के लिए साथ ही साथ लोगों को पर्यावरण को हानि पहुंचाने पर विकराल परिणाम भुगतने पड़ेंगे, इन्हीं सब की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कैसे मनाते हैं, तो यह विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है, जैसे विभिन्न प्रकार के संगठन हो गए, अलग अलग नुक्कड़ नाटक की सहायता से कार्यक्रम करके इसकी सहायता से लोगों को बताते हैं और इसके बारे में जागरूकता फैलाते हैं। इसके अलावा स्कूल कॉलेज सेमिनार परिचर्चा समूह चर्चा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। थीम की बात करें तो प्रत्येक वर्ष इसकी कोई ना कोई थीम रखी जाती है। वर्ष 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है।
इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ठीक है, यानी कि हमारे ग्रह में, हमारे पृथ्वी पर निवेश करें। और इसके अलावा एक मिनट, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पृथ्वी के बारे में कुछ तथ्य जानें। तो पृथ्वी के 10 गुना ज़्यादा लंबी पर्वतमाला समुद्र के भीतर है, यानी कि आप लोग जो पृथ्वी पर पर्वतमाला देखते हैं, चाहे यहाँ पर आप लोग देखते होंगे हिमालय पर्वतमाला, इसके अलावा यहाँ पर इंडीज बहुत सारी पर्वतमालाएँ हैं, इससे ज़्यादा समुद्रों में है। कैसे, देखिए यहाँ पर अटलांटिक महासागर देख रहे हैं, जैसा हमने चिन्ह खींचा है यहाँ पर भी अंदर नीचे डूबी हुई पर्वतमाला है। और जहाज़ें जब इधर से उधर जाती हैं तो यह एक ख़ास जगह से ही गुजरती है जहाँ से पर्वतमालाएँ बीच में टूटी हुई हों। इसके अलावा आप लोग हिमालय तो देख ही रहे होंगे, हिमालय के नीचे यहाँ पर आप देखते होंगे कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, वे द्वीप समूह तो है लेकिन हिमालय का ही डूबा हुआ, डूबने के पश्चात जो ऊपर भाग निकल गया है वही द्वीप के रूप में बना है, ठीक है। इस प्रकार से पूरे समुद्र में बहुत जगह ऐसे जो डूबे हुए पर्वत हैं, तो वह पर्वत धरती के 10 गुना ज़्यादा लंबी पर्वतमाला समुद्र के भीतर पाए जाते हैं। आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं, यहाँ पर भी और भी संसार में बहुत जगह ऐसी देखने को मिलता है। इसके अलावा समुद्र में डूबा है माउंट एवरेस्ट से 482 मीटर ज़्यादा ऊंचा पर्वत, पढ़ सकते हैं यहाँ पर, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊँचा पर्वत 8848.86, ठीक है, इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई है 0.86 मीटर। और समुद्र तल से नापने के बजाय पूरी ऊंचाई मापे तो हवाई द्वीप पर माउंट किया सबसे ऊंचा चोटी होगा। इसकी कुल ऊंचाई करीब 9,330 मीटर और इसका 5,152.4 मीटर हिस्सा समुद्र के भीतर है, ठीक है। ये इसके अलावा और भी देखेंगे, यह सब दैनिक भास्कर के द्वारा निकाला गया है। तो कह रहा है कि पृथ्वी के भीतर सूरज से भी ज़्यादा धधक, यानी कि धधक रही है पृथ्वी, अंदर से बहुत गर्म है। पृथ्वी की चार परत हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। जैसे यहाँ पर आपको बात करें तो यह आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है, और पृथ्वी का एक टुकड़ा हम इस तरीके से निकालें तो इस वाले हिस्से को कहते हैं क्रस्ट, इसको कहते हैं मेंटल और इसको कहते हैं कोर। कोर को भी यहाँ पर इन्होंने दो भागों में बांट दिया गया है, इनर कोर और आउटर कोर। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। इसके अलावा भीतरी कोर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूरज की सतह से ज़्यादा है। पृथ्वी की यह इनर कोर 98% भाग लोहे से बनी है। धरती माने लोहा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। पृथ्वी आप देख सकते हैं कि किन किन तत्वों से, किन किन धातुओं से मिलकर बनी है। तो इसमें 32.1% लोहा है, 30.1% ऑक्सीजन है और 15.1% सिलिकॉन, और यहाँ पर 13.9% मैग्नीशियम और 8.8% अन्य तत्व तो इसमें विराजमान है। और पृथ्वी ही एक ऐसा अकेला ग्रह है जिसका नाम किसी भगवान पर नहीं है। इसके अलावा और आप समझ ही सकते हैं, शुक्र हो गया, बुध हो गया, जुपिटर हो गया, यह सब किसी न किसी देवता, ग्रीक देवता, भगवान के नाम पर ही रखे गए हैं। पृथ्वी के फेफड़े हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट के रूप में आप अमेजन वर्षा वन का नाम सुनते हैं, जो कि ब्राज़ील में है, सबसे बड़ा है। उसी के अलावा यहाँ पर भी जानकारियाँ तमाम दी हुई हैं, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यह थी पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी, जो कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बाकी कमेंट करके बताएँ वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।